अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उजी टेस्ट। आज जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ ऑथेंटिक चाउमीन मेरे अपने स्टाइल में, आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे हाफ के जी मैंने चिकन फिंगर ली है, फिंगर शेप में मैंने इसकी कटिंग की है, बोनलेस है ये। इस तरह से स्ट्रैप्स में इसकी कटिंग करें। हाफ टी स्पून ली है ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट। अब मैंने इसको इसमें डाल दिया है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ये इस रेसिपी का फर्स्ट स्टेप है। 1 टेबल स्पून ऑयल, इसको मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। ये देखें इस तरह से, सेम टू सेम आप रेसिपी को फॉलो किएगा तो आपकी बेस्ट डिश बनेगी। ये देखें, अब मैं इसको एक साइड पर रख दूंगी। अब हम चलते हैं चाउमीन के सॉस की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 कप टमाटो केचप लिया है। क्वांटिटी बिल्कुल यही रखिएगा सेम जो मैंने ली है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सोया सॉस, इसको मैं करूँगी मिक्स। 2 टेबल स्पून चिली सॉस, ये बिल्कुल इसकी क्वांटिटी बिल्कुल मेजरमेंट ठीक है, यही लिएगा। 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर अवेलेबल ना हो तो आप दूसरी चीनी भी सिंपल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ब्राउन शुगर मिल जाए तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। इसको मिक्स करें। अब आते हैं स्पाइसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून ली रेड चिली, रेड चिली फ्लेक्स लिया है। फिर 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लिया है गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लिया है ब्लैक पेपर। इस तरह से इन सब स्पाइसेस को आप इसमें मिक्स कर लें। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है जो मैं आपको स्पाइसेस का दे रही हूँ। आप बिल्कुल सेम इसी पे ही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि चाउमीन ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन अगर आप स्पाइसी खुद लेना चाहें तो मर्जी है। यहाँ ये चिकन की मैरिनेशन, ये सारी वेजिटेबल्स हैं जो हमने चाउमीन में यूज़ करनी है। स्पैगेटी हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। इस तरह से आप ये देखें बिल्कुल अलग अलग एक एक। ये हमारा सॉस है, ये चिकन है। अब हम अपनी डिश को रेडी करते हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैं ऑयल ले रही हूँ। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आप लहसुन डालें इस तरह चॉप करके 1 टीस्पून के करीब। इसको मैं हल्का सा सौते करूंगी, ब्राउन बिल्कुल मत कीजिएगा। इस तरह से ओरिजिनल चाउमीन रेसिपी है, सेम आप बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। यहाँ पे मैं चिकन जो मैंने 1/2 केजी ली है बोनलेस स्ट्रैप्स में कटी हुई, उसको अब मैं डाल रही हूँ और इसको जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक मैं फ्राई करूंगी। ये देखिए, अफ्तार के लिए ये बेस्ट रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत अच्छी लगती है। अब देखिए, ये हमारी डार्क गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है चिकन। अब मैं इसमें 1 बाय 1 करके तमाम वेजिटेबल्स डालूंगी। कैरेट डाली है, ये मैंने 1 बारीक लंबाई में कटी हुई इस तरह से। इसी शेप में कैप्सिकम ली है, इसको भी आप इसी तरह लंबाई में काटें। 1/2 कैबेज लिया है मैंने, पहले इसमें चम्मच चला लूंगी इसमें ताकि ये हल्का सा सौते हो जाए हमारी।
अच्छा, हमें इसको सॉफ्ट नहीं करना, हमारी वेजिटेबल्स को क्रंची रहना है। ये देखें इस तरह से। अब मैं इसमें डालूंगी कैबेज, हाफ कैबेज मैंने लिया है इस तरह से, ये देखिए आप। अब इसको भी मैं मिक्स कर लूंगी। फ्लेम मैंने इसकी तेज रखी हुई है। बस आप ये ध्यान रखिएगा आपकी डिश जले ना लगे ना, जल्दी जल्दी से चम्मच हिलाएं। यहाँ मैंने एक अदद प्याज लिया है, अनियन इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्रीन अनियन लिए हैं, हाफ अभी डाल रही हूँ, हाफ एंड में डालूंगी गार्निशिंग के टाइम। अब इसको जल्दी से मैं मिक्स करूंगी और इसके बाद बारी आएगी हमारे सॉस की। ये देखिए आप कितना अच्छे तमाम वेजिटेबल्स के कलर्स लग रहे हैं और टेस्ट भी इसका इतना ही जबरदस्त है। ये देखिए हमारी ये, अब मैं इसमें सॉस डालूंगी। ये देखिए आप, ये जो मैंने चाउमीन की सॉस रेडी की थी अब मैं वो डालने लगी हूँ। कोई भी हमारी वेजिटेबल सॉफ्ट नहीं हुई है, सब क्रंची क्रंची हैं। ये देखिए चिकन भी मैंने फुल कुक कर ली है, अब मैं इसमें सॉस डाल रही हूँ। अब इसमें मैं सॉस डाल रही हूँ, इसकी क्वांटिटी स्पाइसेस की बिल्कुल परफेक्ट है, आप बिल्कुल यही रखिएगा। जल्दी से मैं इसको मिक्स करूंगी। ये देखिए आप इसके कलर देखें और जो इसकी खुशबू है, खैर वो तो मैं ही फील कर रही हूँ। ये देखिए आप, अब हम इसमें लास्ट में अपने स्पैगेटी डालेंगे। सारा सॉस मैंने डाल दिया है, अब मैं स्पैगेटी डाल रही हूँ इसमें। ये देखें पहले मैं हाफ डालूंगी, इसको मिक्स कर लूंगी और फिर हाफ डालूंगी। आप ये देखिए बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग हैं, और ओवर कुक बिल्कुल मत कीजिएगा। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, मैं फ्लेम ऑफ करके अब मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए इसका कलर देखें कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, कल मैं आपको दे रही हूँ काली चने कढ़ाई की रेसिपी और उसके साथ चटपटी फुलकियों की। आप ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई किएगा और कल इंशाल्लाह ताला मैं वो वाली रेसिपी दूंगी। यहाँ पे देखिए हमारे चाउमीन बिल्कुल रेडी हैं, इसकी गार्निशिंग आप ग्रीन अनियन से करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी है। थैंक्स।